जो साड़ा पार्ट पीएस टेट का चल रहा है और इंग्लिश पार्ट चल रहा है हूँ साड़ा 2021 जो पेपर आया सी पीएस टेट प्रीवियस ईयर का पेपर है जो फर्स्ट पेपर है क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ वाले वास्ते 61st क्वेश्चन है वी कैन थिंक ऑफ द लैंग्वेज एज वन ऑफ द मेंटल ऑर्गन्स विच कोऑर्डिनेशन विद अदर मेंटल ऑर्गन्स कैरीज आउट कॉग्निटिव प्रोसेस दिस इज एट्रिब्यूटेबल बाय टू एट्रिब्यूटेबल टू इधर आंसर आएगा जी आंसर नंबर ए ए किन्ना क्या है जी नॉम चॉम्स्की के द्वारा एट्रिब्यूट किया गया है। 62nd क्वेश्चन है जी कंबाइनिंग इन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द सेम सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ एक इधर एग्जाम्पल है जी एग्जाम्पल है कोड मिक्सिंग का। 63rd क्वेश्चन है इन ए डिडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर वी प्रोसीड फ्रॉम ये डिडक्टिव मैथड के होंगे जी रूल्स ऑफ एग्जाम्पल रूल्स ऑफ एग्जाम्पल आंसर आएगा जी सी ए टेस्ट ऑफ राइटिंग इज जो टेस्ट होंगे राइटिंग का उन्होंने आप कहने जी डिक्टेशन सो आंसर आएगा जी यदा आंसर नंबर सी। लर्निंग इज लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ जो लर्निंग है या फिर लिसनिंग राइटिंग रीडिंग ये सारिया की ने जी स्किल्स सो आंसर आएगा ए। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग इन्हें जब आप इनकरेक्ट देखना है तो इनकरेक्ट आंसर आएगा अपना आंसर नंबर डी आंसर आएगा डी क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट इज 67 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जो इमिटेशन होती है यानी कि नकल करना कॉपी करना ये साड़ी की है प्रिंसिपल नहीं है सिलेक्शन करने का किसी भी चीज़ में। 68th क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली वेन आंसर शुड बी सी द चाइल्ड हैज द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज सो आंसर आएगा जी आंसर नंबर सी। 69th क्वेश्चन है जी 69th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑनोमेटोपोइसिया सो इधर आंसर आएगा जी कुकू कुकू आंसर नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 70th क्वेश्चन 70th क्वेश्चन पूछा गया जी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड सब तो छोटी साउंड की जो यूनिट है दैट डिस्टिंग्विशेस वन वर्ड फ्रॉम अनदर आंसर आएगा जी दा फोनेम बी। इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सो रूल ओरिएंटेड ग्रामर इज जिदे च रूल होंगे वह होंगे जी थोड़ी फॉर्मल ग्रामर इज एक्ट ऑफ लिसनिंग कंप्रेशन इज टेस्ट ऑफ रिसेप्टिव स्किल स्किल्स होने रिसेप्टिव स्किल्स कहा गया उन्होंने ठीक है सेट ऑफ लिसनिंग जो कॉम्प्रीहेंशन होंगे उन्होंने। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडियल टीचिंग इज ऑब्जेक्टिव की है जी यदा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु लैग वार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट सो आंसर आएगा जी थोड़ा आंसर नंबर ई। नेक्स्ट चलते हैं जी 75th क्वेश्चन दे 75th क्वेश्चन है जी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इक्वेशन इज टू इन्हें चाहें जी असैस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस थ्रू आउट द ईयर ठीक है गिव डायग्नोसिस टेस्ट टू द स्टूडेंट्स एट रेगुलर इंटरवल ये भी ठीक है असैस स्टूडेंट्स अकेडमिक अचीवमेंट भी ठीक है सो आंसर आएगा जी थोड़ा डी। सो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैराग्राफ रीड आउट करना है एंड 76 तो लैके 82 तक इन फाइंड आउट करना है सो तुसी पैराग्राफ इतों देख सकते हो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन से आंसर जो है तुहानू इंदे इस पैराग्राफ विचों मिलणगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 76 क्वेश्चन है जी गिव वन वर्ड फॉर टू कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच इनू की कहेंगे आप कहने कि पंचुअल ठीक है जी आंसर आएगा डी जो कि बिल्कुल पाबंदी होंगे किसी भी कम टाइम का पंचुअल। नेपोलियन लोस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 बिकॉज ये जो तुम पैराग्राफ दिता गया वह सारे आंसर दिते गए आंसर ये है ए वन इज हिज जनरल केम लेट ये मैं तुम्हें जो निशान भी लगा रखे पिछे वे देख सकते हो पिछे थोड़ा बैक करके वीडियो देख लिया जी। द कंसीक्वेंसिज ऑफ नॉट मेनटेनिंग पंचुअलिटी एट वर्क आंसर आएगा जी ए वर्क
इनिशिएट्स ट्रबल एंड वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज सिंबल और ट्रेडमार्क। ये तुम पैराग्राफ से दिता गया है, तुम दिता गया है हॉलमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए डिसिप्लिनड परसन ऑलवेज गैट्स एक रेकग्नेशन भी होंगे, एप्रीसीएशन भी करता है एंड सारा कुछ होंगे, सो सोशल भी है, एक्सेप्टेबल एक्स एप्रीसीएशन है। सो आंसर आएगा जी थोड़ा ऑल ऑफ अबव। सो इफ यू आर नॉट डिसिप्लिनड यू विल वर्क हरिडली और हैफेजर्डली, आंसर आएगा ए। सो नेक्स्ट है 82nd क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लांट द वर्चुअल ऑफ पंचुअलिटी, आंसर आएगा जी लेजीनेस। ठीक है जी, जो पंचुअल ही नहीं है, जो कुछ प्रॉब्लम है उन्होंने की है कह लगे आप लेजीनेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, थोड़े को पैराग्राफ दिता गया जी, पैराग्राफ तो ही तुम क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। सो चलो फाइंड करते हैं इन्हों के भी आंसर है, तुम्हें जो लाइनस वगैरह नीचे बॉटम से लाइन लगा रखी है, इट मीनस इन्हों ही आंसर तुम्हें मिल जाएगी। सो क्वेश्चन है जी, वट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइन, विच लाइन फॉलिंग डाउन और फॉलिंग फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगोनाइजिंग एम्बरेसिंग एंड स्कैरी ह्यूमन एक्सपीरियंसिस, आंसर यदा आएगा जी फेलियर कैन डीपली अफेक्ट आवर इमोशंस। नेक्स्ट है जी 84th क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द मीनिंग ऑफ सोशल इंटेलिजेंस एज इम्प्लाइड इन द पैसेज, ये आंसर मिलेगा तुम्हें की टू परसनल सक्सैस एंड बैटलमेंट इन सोसायटी, तुम उपर जो लाइन लगा रखी है वो आंसर मिल जाएगी जी। सो विच इज नॉट अमंग द 7 क्वालिटीज़, उपर तुम क्वालिटीज दी हुई है जिंदू इगोनी इगोनी जो है ये थोड़ी नहीं है क्वालिटी उन्होंने, ठीक है। सो आंसर आएगा डी। सो 86th क्वेश्चन है जी, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लुकिंग एट द ब्राइट साइड, इनका मतलब है एज यूज इन द पैसेज, इन कहते यूज किया गया है बी ऑप्टिमिस्टिक, ब्राइट साइड मतलब की देखना ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग ना डिस्पाइट डिफिकल्टीज। सो 87th क्वेश्चन है, द रीजन वाई यू आर नॉट ए रोबोट इज दैट फेलियर एंड सक्सेस कैन अफेक्ट यूअर इमोशंस। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन दे, हाँ जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88th क्वेश्चन है, डैश वॉज क्रिएटेड आफ्टर मैनी अटैम्प्ट्स, तुम्हें पैराग्राफ से मिलेगा आंसर ये, तो मैं आ जाएगा थोड़ा लाइट बल्ब, ठीक है जी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मेक्स द करैक्ट यूज ऑफ द ग्रिट एज यूज इन द पैसेज, पैसेज के जिम्मे दिता गया ग्रिट यूज किया गया, तो ग्रिट नैवर मेड हर गिव अप, आंसर आएगा डी। सो नेक्स्ट इज टेंड टू प्रिजर्व एंड कीप गोइंग एज यूज इन द पैराग्राफ सजेस्ट, आंसर शुड बी ग्रिट, ठीक है जी। ये सारे थोड़े हो गए इंग्लिश मै इंग्लिश पार्ट के क्वेश्चन के आंसर। सो नैक्सट आप चलेंगे नैक्सट पार्ट से, तो वीडियो लाइक शेयर चैनल में सबसक्राइब कर दो, ताकि नैक्सट जो वीडियोज़ आने वाली हैं टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच।